पेड़ को लगभग 2 साल हो गए मेरे पास, और ये जब एक छोटी सी ब्रांच हुआ करती थी इतनी सी, तब ये मैंने लगाया था। और ये हम एक गाजियाबाद एक नर्सरी से लेकर आए थे ये छोटी छोटी सी टहनियाँ, और उन टहनियों को ही मैंने लगाया था और उन्हीं से ये पौधा मैंने ग्रो किया है। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, 2 साल में कितनी घनी हो गई है। लगभग इसमें काफ़ी सारी ब्रांचें हो गई हैं, और अब मेरे मन में आया कि मैं एक बोनसाई इस पौधे से तैयार करूं। तो बोनसाई के लिए ही मैं आज इसको लेकर आया हूं। नीचे ऊपर तो काफ़ी धूप हो रही है, दोपहर का समय है, तो आज मैं इसका एक बोनसाई तैयार करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस प्लांट से एक सुंदर सा बोनसाई कैसे तैयार होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेड़ है ये जेड प्लांट है, और इसको काफ़ी शुभ माना जाता है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, अपने घर में लगाने के लिए काफ़ी मान्यताएं हैं इसकी। और ये घर में लगाने वाले सबसे शुद्ध पौधों में से एक है। तो आइए चलते हैं और प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं पूरा, इसको जेड प्लांट को हम बोनसाई में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा इस पॉट से, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप हल्का सा इसको पटक दीजिए गमले को, तो ये क्या होगा कि इसकी जो चारों तरफ से मिट्टी है वो ढीली हो जाएगी, और फिर ये आपका जो पेड़ है पूरा का पूरा आप निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी रूट हैं, और जो मिट्टी में हमने लगाया था मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से, आज भी लगभग 2 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी है और पूरी तरह से एक हेल्दी इसकी जड़ें हैं, रूट सिस्टम पूरा हेल्दी है। तो मैं यही बताता हूँ कि जो आपका पोटिंग मिक्स है सो मीडिया है वो अच्छा होगा तो आपका पेड़ भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी। तो आप इसमें लगभग 2 ब्रांचें हैं साइड में, 2 कलम मैंने लगाई थी जब ये पौधे को ग्रो किया था कटिंग से। आज मैं इनमें से एक को अलग कर रहा हूँ और दूसरी को इसी में ही शिफ्ट कर दूंगा। तो ये एक साइड से मुझे जो ब्रांच है मोटी वो मिल गई है बोनसाई के लिए, तो मैं केवल इसी को ही अलग करूंगा और इसी का ही मैं बोनसाई बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसकी जो रूट्स हैं उनसे मिट्टी अलग कर देते हैं ताकि रूट्स ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अब मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं इस पेड़ की, एक तो ये ब्रांच है और दूसरी ये है। अब इन दोनों में जो मुझे ज़्यादा ठीक लग रही है वो ये है, क्योंकि इसके जो ये तना है ये थोड़ा लंबा है और इसका ये थोड़ा सा लंबाई कम है, तो मैं इसी को ही ले रहा हूँ और इसको एज इट इज़ मैं जिस पॉट में था उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं बोनसाई प्लांट बनाऊंगा। और एक चीज़ और देखिए, इसमें ये यहाँ से ये इसकी ब्रांच नीचे टच हो गई होगी तो इसमें से भी रूट निकल आई है, तो एक पौधा हमारा और अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसको मैं कटर से कट कर दूंगा यहाँ से, ये कट हो गया है। तो पहले इसकी हम शेप दे लेते हैं थोड़ी सी, मुझे ये थोड़ा छतरी नुमा बोनसाई चाहिए। तो सबसे पहले जो इसकी आउटर की ब्रांचेज हैं उनको हम रिमूव कर देंगे ऐसे। ये एक ब्रांचेस मुझे आउटर की लग रही थी और एक ब्रांच ये है इसकी आउटर, और एक ब्रांच ये है इसकी आउटर, और एक ब्रांच ये इसकी आउटर है। तो और एक हल्की सी इसको भी ट्रिम कर देंगे यहाँ से। अब इसका थोड़ा सा आई है शेप, और कुछ ऊपर से ये ब्रांच इसकी अलग निकल रही है तो इसको भी ऐसे थोड़ा ट्रिम कर देंगे। अब एक ब्रांच ये बची है ऊपर से, इसको हल्का सा ट्रिम कर देंगे ताकि ऊपर जो इसमें नई ब्रांचेज आएंगी नई ग्रोथ उसमें फिर इसकी छतरी बन जाए। तो ये देखिए एक ये है, ये भी इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अब लगभग लगभग ये बिल्कुल रेडी है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में ज़रूरत होगी तो फिर देख लेंगे इसमें कि इसको कितना ट्रिम करना है।
अब इसकी रूट्स देख लेते हैं। तो इसकी जो रूट्स हैं ये देखिए, ये देखिए, तो इनकी जो ये छोटी छोटी रूट्स हैं इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ज़्यादा इनकी रूट्स को मैं नहीं छेड़ूंगा, बहुत ज़्यादा हल्की सी इनको ट्रिम कर देता हूँ। अब इसकी जो छोटी छोटी और ब्रांचेज हैं इनको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि जो इसका स्टेम है वो क्लियर विजिबल रहे, जिससे कि जो बोनसाई है वो हमारा सुंदर दिखे और इसमें नई नई ग्रोथ और अच्छे से आए। तो अब इसको जो रूट्स है इसकी उनको शेप देनी है, और चूंकि बोनसाई में हम पोर्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, छोटा पोर्ट रखते हैं, तो इसकी जो ये आप रूट्स देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा ताकि इसको आसानी से मैं पॉट में शिफ्ट कर सकूं। और ये मैंने इसको हटा दी है, एक रूट्स और मुझे हटानी है बस, ये थोड़ी सी, इसको भी मैं ऐसे हटा दूंगा। बाकी इसकी जो रूट्स हैं ये छोटी छोटी रूट्स, इनको अब मैं नहीं करूँगा कुछ इसमें छेड़ाछाड़ी। ये देखिए ये लगभग अब मेरे पौधे की शेप हो गई है, तो अभी मैं इसको इतना ही करूँगा, फिर आगे इसमें मैं वायर भी लगाऊंगा ताकि इसको थोड़ा सा सीधा कर सकूँ। ये सीधा होने के बाद उसका जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा। तो अभी मैं इसको अभी पॉट में शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ दिन इसमें फिर और नया काम हम करेंगे। तो अभी मैंने जो पोर्ट लिया है वो देखिए, ये छोटा पोर्ट मैंने लिया है, ज़्यादा गहराई नहीं है इसकी, और ये बोनसाई पोर्ट ही है सेरामिक का। इसमें अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो होल होता है ये, इस होल में एक नीचे ये रख देंगे हम, और मिट्टी तैयार कर लेते हैं, बताते हैं अभी। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो कंकड़ है वो लूँगा, इसमें रेत भी है बजरी भी है, ये ले लूँगा मैं। इसके साथ में थोड़ा सा इसमें कोकोपीट मिलाऊंगा, लगभग 5-7% के आसपास, 10% मिला लेते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर भी थोड़ा सा हल्का बना रहे और रूट सिस्टम इसका जो है अच्छे से डेवलप हो जाए। अब इसमें जो पत्तियों की खाद है वो थोड़ी सी मिला लेते हैं, 10% के आसपास, ये इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है फंगस का जो पाउडर है वो मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जेड प्लांट है और ये एक सेकुलेंट होता है, तो इसमें क्या है फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लगभग 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें ये फंगस का पाउडर मिक्स कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी हम नीम की खली भी मिला लेते हैं, ये भी अच्छा काम करती है, फंगस का अटैक नहीं होने देती और रूट सिस्टम अच्छा रहता है। तो सारा जो ये मिक्सर है अब तैयार हो गया है, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हम अपना पोट लेते हैं, ये देखिए, ये पोट में हल्की सी एक लेयर नीचे डाल लेते हैं ताकि जो पेड़ है उसको आसानी से रख सकें। और ये देखिए, ये ऐसे हमारा ये रहेगा पॉट में, जो पौधा है बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में मैंने रख लिया है, और इसमें अच्छे से हम जो सोइल मीडिया है वो पूरा डाल देते हैं। अब इसको कुछ दिन थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, तो इसमें मैं ऊपर से थोड़े से पैबल इसमें लगाऊंगा ताकि ये अच्छे से टिक सके। वैसे तो चाहे तो इसमें वायर भी हम डाल सकते हैं। तो इसमें अब ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं 3-4 हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसको अभी कुछ दिन के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी सपोर्ट इनको मिलेगी, और जब इनकी सेटल हो जाएगी रूट्स तो हम इनको हटा भी सकते हैं, और चाहो तो रख सकते हैं, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, और छोटे छोटे पेपल अगर होते तो और ज़्यादा अच्छे होते। खैर कोई बात नहीं, अब हमारा जो पेड़ है वो बिल्कुल लगकर तैयार हो गया है, अब पानी देने का समय आ गया है, तो पानी दे देते हैं इसमें अच्छे से। इसमें वाटरिंग करनी है हमें, और
पानी से बाहर भी ना निकल पाए, वाटर इतना डालें शुरू में, अच्छे से मिट्टी गीली हो जाए और जड़ों में जो है वो पानी अच्छे से लग जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ का आनंद उठाने के लिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आगे भी आती रहेगी चैनल पर, तो आप साथ में ज़रूर बने रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।